हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल रास्तन फायर सर्विस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आपके मन में कोई भी टॉपिक पर कुछ पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ कि आज हम बात करेंगे कि फायर फाइटिंग के दिशा निर्देश क्या क्या है दोस्तों, और फायर फाइटिंग करने का उद्देश्य में प्रभाव दोनों बताऊंगा दोस्तों। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए फायर फाइटिंग के दिशा निर्देश क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि अग्नि सुरक्षा के अंतर्गत फायर फाइटिंग एक महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। फायर फाइटिंग का अर्थ है आग से लड़ना ही नहीं, अपितु आग पर काबू पाया जाए जिसके की आग एक विकराल रूप न ले पाई है, एक अग्नि से बचाव का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों। अग्नि सुरक्षा में फायर फाइटिंग करने के दौरान काफी परेशानियों से फायरमैन को अवगत होना पड़ता है दोस्तों, जैसे कि पानी का आवागमन करना, सेक्शन होज डिलीवरी, होज फैलाना और कार्य संबोधन पूर्णतः सही नहीं हो पाता, अंत उसे कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। और नंबर 3 पॉइंट आता है दोस्तों, फायर फाइटिंग के दौरान बहुत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में शोर काफी होता है दोस्तों, जिससे भी फायरमैन आपकी कार्यप्रणाली का तालमेल सही नहीं बैठ पाता, जैसे एक दूसरे को सूचना का आदान प्रदान पूर्णतः नहीं हो पाता दोस्तों। अंत इस प्रकार फायर फाइटिंग के माध्यम से फायरमैन कार्य का संचालन सुविधापूर्ण जोखिम रहित सही संचालन तथा क्रमानुसार कर जाता है दोस्तों। ये तो हो गए फायर फाइटिंग के दिशा निर्देश। अब हम बात करते हैं फायर फाइटिंग करने का उद्देश्य में प्रभाव। तो दोस्तों, अग्नि सुरक्षा में फायर फाइटिंग करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य जान माल की रक्षा करनी होती है दोस्तों, और किंतु इस क्षेत्र का विस्तारित उद्देश्य प्रभाव का है कुछ मुख्य उद्देश्य में प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि नंबर 1 पर पॉइंट कौन कौन से आते हैं दोस्तों इसमें। तो बता दो कि फायर फाइटिंग के माध्यम में की गई फायरमैन द्वारा की गई कार्यवाही सुविधाजनक में क्रमबद्ध होती है दोस्तों। और नंबर 2 पे आता है फायर फाइटिंग दिशा निर्देश द्वारा फायरमैन अत्यधिक शोर वाले क्षेत्रों में कार्य भी संचालन कर सकते हैं दोस्तों। नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों, फायर फाइटिंग द्वारा फायरमैन जान माल की रक्षा कर सकता है जो कि उसका प्रथम उद्देश्य होता है दोस्तों। और नंबर 4 पे आता है दोस्तों, फायर फाइटिंग दिशा निर्देश द्वारा आग पर पानी में समय का बचाव करके फायरमैन ज्यादा आग पर काबू पा सकते हैं दोस्तों। नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों, फायर फाइटिंग दिशा निर्देशों द्वारा फायरमैन स्वयं तथा अन्य को आग से होने वाली दुर्घटना से बचा सकता है दोस्तों। ये तो हो गए दोस्तों फायर फाइटिंग करने का उद्देश्य में प्रभाव और फायर फाइटिंग के दिशा निर्देश दोस्तों दोनों बता दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।